नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। उससे पहले छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। सम्मान नागरिक संहिता पर देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भड़के ओवैसी, तो भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा वे संविधान नहीं सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। वर्सोवा बांद्रासी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु हुआ, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी नाम बदला। वहीं पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है, पीछे नहीं हट सकते भारत आने को लेकर पीसीबी के बयान पर आईसीसी का जवाब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की हुई शुरुआत, कांग्रेस पार्टी का है बड़ा प्लान। दतिया में निर्माणाधीन पुल के पास नदी में गिरा ट्रक, एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की आशंका, कई घायल। 120 रुपये प्रति किलो टमाटर कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने बनाई रणनीति, तमिलनाडु में लोगों को मिली कुछ राहत। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा इशारा, कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। चीन ने लोगों को संक्रमित करने के लिए जानबूझकर तैयार किया था कोरोना वायरस, वुहान के शोधकर्ता का दावा। नहीं थम रहा छंटनी का दौर, क्रेडिट स्विस और गूगल WAGM हजारों कर्मचारियों से छीनेगी नौकरी। प्रधानमंत्री ने छेड़ा UCC का मुद्दा, तो हमलावर हुआ विपक्ष, DMK ने कहा पहले हिंदुओं पर लागू करें। जेल में रहकर गिरोह को मजबूत करता रहा लॉरेंस बिश्नोई, सलमान को धमकी देने में भी आया नाम, पुलिस अलर्ट। वेस्टइंडीज के बाद आयरलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया, 3 मैचों की T20 सीरीज का शेड्यूल जारी। बड़ी खबर, मुस्लिम देशों के प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध, विदेश राज्य मंत्री ने ओबामा को दिखाया आईना। भारत फ्रांस ने शुरू की रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता, दोनों देश की 10 उपग्रह विकसित करने की योजना। पाकिस्तान के मैचों के वेन्यू बदलने की मांग पर अकमल ने PCB को बेवकूफ कहा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पसमांदा और UCC को लेकर साधा निशाना। जुर्माना नहीं भरना, गूगल को पड़ा भारी, लगा 380 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना। टीम इंडिया का पाकिस्तान से महामुकाबला 15 अक्टूबर को, 7 साल बाद भारत आएगी पाकिस्तान की टीम। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, 84 कर्मियों को दिया गया विशिष्ट सेवा पुरस्कार। अलीबाबा के संस्थापक जेक मा चुपचाप काठमांडू पहुंचे, प्रधानमंत्री प्रचंड से मिलने का है कार्यक्रम। QS रैंकिंग 2024 का दावा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा चुनौती। ड्रोन, खोजी कुत्तों और हवाई सर्वे से होगी अमरनाथ यात्रा की निगरानी, अमित शाह ने तैयारियों का लिया जायजा। मुंबई में 1 जुलाई से होगी 10% जल की कटौती, BMC कमिश्नर ने पानी बचाने की अपील की। विधि आयोग अध्यक्ष बोले, वर्तमान स्थिति को देखते हुए देशद्रोह कानून बहुत जरूरी, UCC कोई नई बात नहीं। राहुल गांधी करेंगे हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा, राहत शिविरों के निरीक्षण के साथ ही करेंगे कई काम। कल का युद्ध लड़ने के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत, वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। ट्विन टावर वाले सुपरटेक के मालिक को ED ने क्यों किया गिरफ्तार, कंपनी हो चुकी है दिवालिया।
वहीं पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे प्रधानमंत्री ओवैसी बोले, 3 तलाक का जमीन पर कोई असर नहीं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की युवा प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेत्री सायोनी घोष को ईडी का समन। बंगाल राज्यपाल का टीएमसीपी ने किया विरोध, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में काले झंडे दिखाए, नारेबाजी भी की। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव और 2024 का तय किया एजेंडा, पसमांदा को साधा, विपक्षी एकता पर किया प्रहार। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज, राहुल गांधी को लेकर किया था ट्वीट। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में केसीआर ने गरमाई सियासत, बीजेपी की बी टीम होने का लगा आरोप। केंद्रीय जल ग्रहण मंत्री शेखावत को ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर कांग्रेस ने घेरा, खेड़ा बोले केंद्र से एक पैसा नहीं दिलवा सके। असम में 67,000 से अधिक लोग प्रभावित, चीजों की कीमतें छू रही आसमान, हजारों लोग नहीं मना पाएंगे ईद। पश्चिमी यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। वहीं केंद्रीय सचिवालय सेवा के 1600 ASO बनेंगे सेक्शन अफसर, लंबे संघर्ष के बाद जितेंद्र सिंह ने की घोषणा। उड़ीसा में भ्रष्टाचार के आरोपी डिप्टी कलेक्टर को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, आय से 500 गुना अधिक संपत्ति हुई बरामद। कर्नाटक के सहकारी दूध संघ नंदिनी ने दक्षिणी विस्तार के योजना पर लगाया ब्रेक। वहीं भारत में सिर्फ 6 महीने में 95 बाघों की मौत, मध्य प्रदेश में इस साल अब तक 24 टाइगर ने तोड़ा दम। कोरोना के एक और स्वरूप के खिलाफ भारत में बनेगा टीका, काम करेगी भारत बायोटेक। वहीं भारतीय सेना के सामने पस्त हुए चीनी सैनिक, अब तिब्बती सैनिकों को बॉर्डर पर किया तैनात। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस को दी हिदायत, कहा गोरक्षकों पर न हो कोई हमला। सैलानियों के लिए खुशखबरी, अगरतला और सिलचर के बीच चलेगी विस्टा डोम कोच के साथ समर स्पेशल ट्रेन, NFR का बड़ा फैसला। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज, आगामी मानसून सत्र की तारीख को लेकर होगी चर्चा। वहीं मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर से 10 लोग गिरफ्तार, BSF ने कहा आरोपियों में 5 भारतीय भी शामिल। बड़ी खबर, सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता, इम्फाल पूर्व जिले में हथियार गोला बारूद के साथ 2 गिरफ्तार। भाजपा ने बंगाल पंचायत चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण निकाय का किया वादा। असम में AIUDF ने दी चेतावनी, कहा प्रस्तावों को खारिज नहीं किया गया तो अदालत का करेंगे रुख। वहीं पुडुचेरी में फर्जी दस्तावेजों के जरिए मंदिर की जमीन बिक्री का मामला, पूर्व CM नारायण स्वामी ने की CBI जांच की मांग। अमरनाथ यात्रा में जारी रहेगा ऑपरेशन ऑल आउट, सुरक्षा बलों के हाथ लगी दहशतगर्दों की कुंडली। ऐसे में क्या कहना है आपका दोस्तों इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।